सोमवार ना मतलब मैं फिर घर अपनी रिपोर्टा मतलब लभिया मिल गई। मंगलवार मैं गई मतलब बसर वोक नाम 385 वाले बेच बेटी ने मैं क्या बेटी मेरी बी एड कर रही है तो उदो बी कॉम कर रही थी तो बेटी ने मैं क्या बेटी बेटा मैंने ना इतने भी 385 वाले स्कूट से लै चल कहती मम्मा तुम इन्ना पाठ कर दो दरबार साहब जाते हो उत्थे उत्थे तुहानू आराम नहीं आया तो तुम 385 वाले की कर लोगे उत्थे तुहानू कोई स्पैशल है। मैं कहनी बेटा सारे कहते मैंने लै चलो बेटी मेरी मैंने उत्थे 385 में लाई रिपोर्टा मैं ना ले आई मैं डॉक्टर साहब ने रिपोर्टा दिखाइया हाँ जी पहला हाँ पहले क्लीनिक गई मैं रिपोर्टा दिखाइया डॉक्टर साहब मैंने कहते ने ना भी थानू तो ब्रेस्ट कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुँच गया। फिर जब मैं गुरुद्वारा साहब आई मत्था टेक 385 मैं बहुत ज़्यादा रोई बहुत ज़्यादा रोई पर मैं क्या मेरी ना बेटी ना दसिया जी मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती है अजी मेरी मम्मी ने 8 महीने हुए से डैथ हुई ना मैं क्या मेरी मम्मी डैथ हुई तो मेरा ही हाल है मेरे तो बेटे बच्चे छोटे ही ने कहते डॉक्टर साहब कहें जेड़ा सच्चाई तो सच्चाई है। मैं डॉक्टर साहब ना रो के क्या गुस्से ना मैं डॉक्टर साहब जो मेरी बेटी मार गई मेरी तो कोई 2-4 महीने जिंदगी होएगी जे मेरी बेटी मार गई तो तुम जिम्मेवार हो गए। फिर ना अंकल जी अरदास करते हैं वो कहें नहीं डॉक्टर साहब तुम नहीं दसना चल बेटी नो कहते चलो ठीक है उन्होंने कहते इन्होंने ना बेटे दस मैं पूरी हाजरियाँ भरती रही कार भी मैं गाइड लै गई पूरे मैं मैं कहें मैं डॉक्टर साहब भी मेरे को ना ऑपरेशन जोगे पैसे नहीं है क्योंकि साढ़े सरदार जी प्राइवेट जॉब करते हैं बच्चे बेटा प्लस वन च पढ़ता सी मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को पैसे नहीं गए मतलब ऑपरेशन कराने जोगे कहते कोई गल नहीं विश्वास रखो भरोसा रखो तुम ठीक हो जाओगे। मैं जो बच्चा छोटा अनपढ़ जो वड्डा कोई कहता है ना बस उवें मैं उन्होंने पूरे से चल पी मैं कोई डॉक्टर वाले देखिया नहीं मैं हाजरी आदि आना 385 वाले पूरे टाइम तो पहले मैं बड़ी खुशी होंगी पी मंगलवार आ गया 4 दिन मैं पूरी हाजरी भरनी पूरी विश्वास नहीं घर भी सिमरन करना मैं चार मैं ना जाना सी मम्मी दे भोग ते मैनू कहिंदे हुण तुसीं पेके छड़ दो डोना परमीत कौर बीबी जी तुसीं इत्थे हाजरियां भरो मैं मंगल बुध वीर शुक्र 4 दिन हाजरियां भरियां ने जाके फिर मैं टेस्ट आया मेरी कैंसर ने लाई सिर्फ 4 दिन हाजरियां भरन करके मैनू मैं दवाई कुछ नहीं लई कोई ऑपरेशन नहीं कराया सिर्फ एक अवर उपास साहब त्यागया दारू नाम लिया मैं इस परमात्मा का नाम लिया है बस जिन्ना मेरे को लोगे मैं बहुत गरीब नहीं हाँ मेरे को पता नहीं अज जो डॉक्टर साहब मैंने ना कहते मैं इस तुहाडी संगत तुहाडे दर्शन पता नहीं कर पाने से कि नहीं अज 4 साल हो गए बिल्कुल मैं ठीक हाँ मेरी बेटी ने माड़ा जो बुखार कुछ चढ़ता है वो दवाई नहीं लेगी वह कह गई मम्मा चलो आप 385 वाले चलीए तो मत्था टेक आई बिल्कुल उन्होंने विश्वास ही वो ना मतलब बहुत ज़्यादा कर दी जो किसी का दुख दुख सुख सुन दी वो कहती उन्होंने जाके कहेगी 385 वाले जाओ मैं अज बिल्कुल ठीक हाँ अज मेरी ਮਮੂਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੋਡਿਊਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।